सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन पर्प। इस वीडियो में हम बात करते हैं आप कैसे पा सकते हो सिक्स्थ बिल्डर। सो बेसिकली यार, काफ़ी सारे बंदे यार टेक्स्ट करते हैं या फिर कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप इस बंदे का पास सिक्स बिल्डर है, लिंक कैसे। बेसिकली सबको पता नहीं होता है कि सिक्स बिल्डर कैसे उनके पास है। बेसिकली जो टाउन 13 में या 12 में, उन्हें पता है कि सिक्स बिल्डर कहाँ से आती है और कैसे आती है, बट बाकी जितने बंदे हैं लो लेवल के, उनके पता नहीं होता है। सो ये वीडियो बेसिकली यार उन बंदों के लिए जिन्हें पता नहीं होता कि सिक्स बिल्डर लाइक कहाँ से आती है। सो यार सिक्स बिल्डर की जो स्टेप्स, वो काफ़ी सिंपल है। आप लाइक कोई भी बंदा यार पा सकता है सिक्स बिल्डर, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं बेसिकली। सो यार इसी वीडियो में बात करेंगे हम कि आप सिक्स बिल्डर कैसे पा सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास सिक्स बिल्डर टोटल। तो यार उससे पहले यार जो भी बंदे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबाना, वीडियो पर लाइक ठोक देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और कोई स्पेशल वीडियो चाहिए गाइस तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा। बेसिकली कुछ बंदे ने बोला था यार टाउन 9 के ऊपर वीडियो लाने के लिए, टाउन 10 के ऊपर लाने के लिए, तो मैं यार ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे एक परफेक्ट बोल सकते हो स्ट्रैटेजी या परफेक्ट प्लान नहीं मिल नहीं रही है। बेसिकली यार मैं टाउन 13 हूँ, मेरे पास कोई दूसरा अकाउंट है नहीं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट बेसिकली मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा यार आपके जो आप रिक्वेस्टेड वीडियो बोल रहे हो उससे लाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास सिक्स बिल्डर है। यहाँ पर सिक्स बिल्डर में आपको एक कॉमन चीज़ दिखी होगी, ये है ये बिल्डर, ये नॉर्मल बिल्डर नहीं है। बेसिकली यहाँ पर देखो हर एक बिल्डर में आपको एक ही मिलेगा बिल्डर हट, ये है मास्टर बिल्डर। तो इसको मैं ये बिल्डर बेसिकली यार मेरे बिल्डर बेस से आई है। सो इसको मैं बिल्डर बेस में वापस ट्रैवल कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको अगर ट्रैवल पर क्लिक करूँ तो ये जो मास्टर बिल्डर बेसिकली चले जाएगी अपने बिल्डर बेस में। तो यहाँ पर ये जा रही है बिल्डर बेस में, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रही हमारी मास्टर बिल्डर जो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा बिल्डर बेस है उसमें दो बिल्डर हो चुकी है टोटल। एक बिल्डर बेसिकली यार मास्टर बिल्डर है और एक बिल्डर यहाँ पर है ऑटो। तो बेसिकली ये ऑटो क्या करता है, तो यार इस ऑटो को अगर आप अनलॉक करते हो तो आप भी कर पाओगे। इसकी फेस मैं आपको दिखा दूँ तो कैसी दिखती है, बेसिकली जिन्हें पता नहीं। यहाँ पर देखो यार बेसिकली ये एक जो बिल्डर है एक रोबोट बिल्डर है जो काम करती है जब मास्टर बिल्डर यहाँ पर नहीं होती है। अगर मास्टर बिल्डर यहाँ पर लगी हुई है फिर भी आप इसे लगा सकते हो, यहाँ पर दो बिल्डर जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो उसके लिए यार बेसिकली आपको अगर आप चाहते हो ऑटो को अनलॉक करने के लिए, बेसिकली आप ऑटो जब अनलॉक करोगे तभी आपका जो मास्टर बिल्डर है वो ट्रैवल कर पाएगा होम विलेज में। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रैवल की बटन है, मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारी मास्टर बिल्डर है वो बेसिकली होम विलेज में चली जाएगी। तो इसके लिए आपको यह बेसिकली ऑटो को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर अपग्रेड करने के स्टेप्स काफ़ी सिंपल है। एट फर्स्ट आपको इस पर क्लिक करना है और लेवल 1 में इसको अपग्रेड हो जाएगी। सिंपल आपको क्लिक करना है, कुछ रिसोर्सेज लगेगी कि आप लेवल 1 में अपग्रेड हो जाएगी इंस्टेंटली। उसके बाद अगर आप लेवल 2 में करना चाहते हो तो ये रही लेवल 2। यहाँ पर देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर जैसे कुछ साइन दी गई है इसमें। बेसिकली इसका मतलब ये है इसमें लाइक आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है इस बिल्डर बेस और मेन विलेज की, तभी आप अनलॉक कर पाओगे ऑटो को। तो यहाँ पर नंबर लेवल 2 में अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो तो बेसिकली आपको आपकी जो होम विलेज में बिल्डिंग्स है, 3 बिल्डिंग्स है बेसिकली यार, और उस तीनों को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको 3 बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, गिरअप करना पड़ेगा, तभी आप जो हमारा ऑटो है उसको आप लेवल 2 पे लेके जा सकते हो। फर्स्ट है हमारा ये आर्चर टावर, इसको देख सकते हो यहाँ पर गिरअप हुई चुकी है, इसलिए मेरे पास 6 बिल्डर है तो आपको इसको गिरअप करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर कैनन है जिसे मैंने गिरअप किया था तभी मुझे मिला था ऑटो, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको आपको गिरअप करना पड़ेगा। और एक और है यार ये रही मोटर, इसको भी मैंने गिरअप किया था। तो बेसिकली ये 3 स्टफ को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तभी आपको ऑटो मिलेगी। उसके बाद अगर आप अपग्रेड कर लेते हो तो आपको जो थर्ड लेवल में जाना चाहते हो तो थर्ड लेवल में बेसिकली आपको यहाँ पर देख सकते हो कैनन, इस कैनन को आपको मैक्स लेवल करना पड़ेगा। ये कैनन है गाइस, बेसिकली आपको यहाँ पर जाना है, यह लैब में जाना है बिल्डर बेस के, और इस कैनन जो लेवल 18 की देख सकते हो मैक्स लेवल है, आपको लेवल 18 करनी पड़ेगी मैक्स, तभी आप लेवल थ्री पर जा पाओगे ऑटो के। उसके बाद लेवल 4 में है यहाँ पर ये मेगा टेस्ला, तो मेगा टेस्ला को भी आपको लेवल 9 में अपग्रेड करना पड़ेगा तभी आप जा पाओगे लेवल 9 में, लेवल 4 में आई मीन गाइस सॉरी। एंड लेवल 5 में जो सबसे लास्ट लेवल है उसमें आपको ये देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर बैटल मशीन है, तो यहाँ पर इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और बैटल मशीन में भी आपको बेसिकली आपकी जो बैटल मशीन है उसकी आपको लेवल 30 करनी पड़ेगी तभी आप पा सकते हो ऑटो। उसके बाद सारी चीज़ होने के बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हो पर ऑटो की जो ड्राइंग दी गई है पिक्चर, वहाँ पे एक अपग्रेड की बटन आएगी, उस अपग्रेड पर क्लिक करोगे तब आपकी जो ऑटो है कुछ ऐसी दिखेगी ऑटो हट। उसके बाद आपकी जो ऑटो आप कहीं पर भी लगा सकते हो इस ऑटो के काम पर, जैसे मैं यहाँ पर भी लगा दे सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। उसके बाद जो आपकी मास्टर विलेज है ये देख सकते हो, इसको आप अपने मेन विलेज में भेज सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली 6 है, और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
देखो एट फर्स्ट कोई भी बंदा के पास यार फाइव बिल्डर्स होता है, लेकिन हमारे पास सिक्स है क्योंकि हमने होम बिल्डर बेस से इसे होम विलेज में बुलाया है। अब बाकी कोई डिफरेंस नहीं है भाई। सो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये रही हमारी बिल्डर, तो बेसिकली ये मास्टर बिल्डर है आपकी। तो ये काफ़ी आई होप सबको समझ में आई होगी। यहाँ पर देख लो यार, एक रही बिल्डर ये। तो यार सो बेसिकली आप काफ़ी लोग बोलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके तो इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है, कोई वो नहीं है गाइस। आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपकी जो बिल्डर बेस है वो लेवल 9 के होना चाहिए। आपकी जो देख सकते हो बिल्डर बेस, ये आपके लेवल 9 के होनी चाहिए। और जो हमारा होम विलेज है ये टाउन हॉल आपके 10 होना चाहिए। अगर आपकी ये 10 है और बिल्डर बेस 9 है तो आपकी जो ऑटो वो अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आप अपने मास्टर बिल्डर को यहाँ पर बुला सकते हो और आपकी जो टास्क होने वाली है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो मुझे अगर पूछे को लाइक काफ़ी बंदे सोचते हैं कि यार मैं बाद में करूँगा, बेसिकली यार आप ये स्टार्टिंग में करो तभी आपकी जो बिल्डर बेस है यार उसमें काफ़ी चीज़ अपडेट करनी पड़ती है। और एक बिल्डर एक स्टाफ में रुक जाती है तो काफ़ी लाइक क्लम्सी हो जाती है बाकी डिफेंसिस और बिल्डिंग्स। अगर आपके पास दो बिल्डर्स है तब जल्दी लेवल अप कर पाते हो, मैक्स अप भी कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो मैं 6 बिल्डर तो मैंने काफ़ी जल्दी लेवल अप कर पाया हूँ। अब मेरे पास कुछ बची नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पर 5 चीज़ बची हुई है। और बेसिकली मैंने आज ही मेरी जो रॉयल चैम्पियन वो लेवल 15 हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर देख सकते हो मैं ये एक्सपो को लगा दूंगा बेसिकली थोड़ी देर में। तो यार ये भी यही एक फंदा जो 6 बिल्डर की है। काफ़ी लोग सोच रहे थे काफ़ी उल्टा फुल्टा या बेसिकली यार सिंपल थिंग है, अगर आप चाहते हो अनलॉक करने तक कर पाओगे। सो यार इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।